ये देखो ये पूरा नक्शा का था, वहां नक्शा देखो पढ़वा रहा था, आप लोग देख रहे हैं। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारा दबरेगा। कौन से आपने मुआवजा लिया नहीं दिया, मेरे पास लिखा रखा है, मुआवजा पत्र रखा है। मुआवजा लिया नहीं है, सरकारी जमीन है तो किसकी है, मेरी है कि तुम्हारी है? तो बाजू वाला अलग चल रहा था, वो अलग कंप्लेंट किया पूरा बाप। कोर्ट से लगा दो, कोर्ट में हम तो खड़े ही जाना चाहते कोर्ट में। गवर्नमेंट की एक स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे पीएचयू और बस का निर्माण होना रहा, तो ये जमीन गवर्नमेंट ने एक्वायर की सन 1987 में, जिससे अविनाश दुबे के पिताजी रहे और ये बगल में गिरजा भाई, इन लोगों के पूरे सब लोगों को ये मुआवजा इनको दिया गया। कलेक्टर ने एक अवार्ड लिखा, सारे किसानों को मुआवजा दिया, जिन विभागों को ये जमीन ट्रांसफ़र होने रही उन विभागों को ट्रांसफ़र हुई, लेकिन विभागों ने अपना नामांकन नहीं करा पाए। मैं बता रहा हूँ, पूरा शुरू से बता रहा हूँ। ये 1987 में ये पूरी जमीन बस स्टैंड में ये 4-5 एकड़ जमीन एक्वायर हुई, गवर्नमेंट ने एक्वायर की, लेकिन इसमें दोबारा इसकी फिर से रजिस्ट्री कर दी गई, जबकि मुआवजा इनको पहले किसानों को पूरा मिल चुका है, उसके बाद ये दोबारा रजिस्ट्री। हमारी मांग है कि ये जो भी निर्माण यहाँ पर हुआ है ये तो खाली कराया जाए। अब मेरा एक छोटा भाई है, बीच में नीचे पाइपलाइन पड़ी है, नगर निगम की जमीन है, पीछे हटके अतिक्रमण भी नहीं आता, वहाँ एक छोटा सा टपरा रखा, तो ये आए दिन दोनों लोग गिरजा भाई और ये अविनाश दुबे, ये लोग आके उसको दम देते रहते कि टपरा हटाओ टपरा हटाओ। अगर इनकी जमीन होती तो ये पहले निर्माण सामने करते, ना कि अगल बगल करते और पीछे करते। लेकिन आरोप ये कि हमारा आरोप ये है कि ये जमीन पूरी गवर्नमेंट की है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक तरफ से तोड़वा के सबको खाली कराए, नहीं अन्यथा हमारे भाई को परेशान न किया जाए। संजय पटेल, आपका भी जमीन है सर, अवैध कब्जे क्यों किए? अवैध कब्जे करते, अवैध कब्जे सारे लोग किए हुए हैं, सरकारी जमीन में भी अवैध कब्जा किए है, दोबारा रजिस्ट्री कर दी गई है, सिर्फ गवर्नमेंट के नामांतरण न कराने के कारण ये जमीन में जो है दोबारा रजिस्ट्री करी गई है। ये पूरा भू अर्जित हो चुकी है, बार बेची जा चुकी है, ये दो तीन बार जमीन बेची जा चुकी है, और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, और फर्जी रिपोर्ट वो रजिस्ट्री करा के रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? संजय पटेल। अरे क्या नाम उसका, कोई तिवारी किसका टुकड़ा है जी? मंजू पटेल। साहब अभी जिस तरह की शिकायत की गई है, अभी अपन को पूरे सुनो तो, अभी अपन को इसके बारे में कोई जानकारी, अपन आज ही आए यहाँ, आज ही दरखास्त जाँच ली है जी, उन्होंने दरखास्त दिया अविनाश दुबे ने कि जी हमारी दुकान में दुकान के सामने टपरा रखे हैं, उसी को उसमें आज जो दोनों बता रहे हैं हमने खरीद लिया है, जिसके दोनों से कागजात मंगाए गए उसकी जांच। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सरकार रोड में कोई विवाद की स्थिति, रोड में कागज विवाद की स्थिति बताया जा रहा है, ये सरकार यहाँ कोई विवाद की स्थिति नहीं है, नहीं सरकारी जमीन में अवैध कब्जा है, कोई अवैध कब्जा नहीं है, नहीं जिस तरह से दोनों कागज पेश कर रहे हैं अपने अपने थाने बुला गए उन दोनों आदमी को, लेकिन जो भी होगा वहाँ दूसरी पार्टी का आरोप है कि ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन दोनों कागज पेश करेंगे अपने अपने वहाँ, यहाँ ना कोई विवाद की स्थिति न कोई नहीं है। अगर भैया अगर अवैध कब्जा होगा तो इसको हटाया जाके क्या सब? वो कलेक्टर महोदय का काम होगा, हटाना नगर निगम का काम है, अपना काम नहीं है।